गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे 18 अक्टूबर का करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए। जो भी आप एग्जाम देते हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं आपको इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और बाकी जितनी भी ऑनलाइन फ्री स्टडी पर आप वीडियोज देखते हैं उनकी भी आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो वो कहाँ मिलती है? किसी भी वीडियो की या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले स्टार्ट करेंगे हम क्विज। दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो प्रीवियस डे के होंगे, यानी कि 17 अक्टूबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसमें हम पूछेंगे। आपको लगभग दो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, या फिर आप कल जाकर वीडियो देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बहुत अच्छे से बताया है। देखिए, क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी संस्था ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक वेबसाइट समर्पित की? आपके ऑप्शन है इसरो, DRDO, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम। ये चार ऑप्शन हैं, इसमें से आप मुझे बताइएगा क्या आपका आंसर होने वाला, कमेंट में करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पहली बार, सेकंड क्वेश्चन है जो क्विज का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। पहली बार भारत और किस देश की तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास 2019 में भारत में आयोजित किया जाएगा? मतलब कि तीनों सेना, जल थल और वायु सेना, तीनों मिलकर ऐसे दो कौन से देश हैं, भारत हो गया और एक और कौन सा देश है, जो मिलकर 2019 में अभ्यास करेंगे? तो देखिए, अमेरिका, नेपाल, चीन या जापान। आपको मुझे कमेंट करना है क्या आंसर होने वाला है इनका। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। दी क्वेश्चन है पहला, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छी दुनिया की सबसे अच्छी मतलब दुनिया की सबसे अच्छी 2000 कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को 22वें नंबर पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स, देखिए आपका ऑप्शन यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, A, B, C और D, ऐसे करके लगा सकते हैं आप। ए है हमारा जुपिटर मार्केटिंग, फाल्कोन रियल्टी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी या LNT। ठीक है, LNT, ठीक है, LN, ये होता है LNT, ठीक है, LNT, ठीक है, जो JBC बनाती हैं। LNT बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेती है ये, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है LNT के। तो इसका आंसर होने वाला है LNT, ठीक है। तो फ्रेंड्स, LNT जो है 22वें नंबर पर है 2000 की। देखिए, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी की गई बेस्ट एम्प्लॉय की 2000 कंपनियों की लिस्ट में भारत की LNT की कंपनी 22वें नंबर और अमेरिका की अल्फाबेट टॉप पर रही। कौन सी कंपनी? अल्फाबेट जो है वो टॉप पर रही, वह माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा नंबर रहा। साथ ही में टॉप 100 में सिर्फ चार भारतीय कंपनी है। कौन कौन सी चार भारतीय कंपनी टॉप 100 में? महिंद्रा जो है कि 55 भी रैंक रही। कौन सी? महिंद्रा, महिंद्रा की जो है उसकी 55 भी रैंक रही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके द्वारा एयर क्वालिटी इमरजेंसी अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साइंस से देखा जाए, अगर GK से देखा जाए तो भी इम्पॉर्टेंट है, और GS से भी देखा जाए तो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये GS का भी क्वेश्चन है और GK का भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर का भी बन गया है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, अरुण जेटली, अनंत कुमार, उमा भारती, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर होने वाला है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की द्वारा एयर क्वालिटी इमरजेंसी अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा, डिजिटल सुविधाओं के लिए किसने ABC यानी कि ABC बहुउद्देश्य एक सेवा है, सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? किसने किया? नजीब जंग ने, अनिल
बैजल ने, राजीव लाल ने या किरण बेदी ने? तो इसका आंसर होने वाला है अनिल बैजल ने। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के अंतर्गत बहुउद्देशीय सेवाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निकोला पाशियन पाशिनायन ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है आपके पास आर्मेनिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो देखिए यहाँ पर भारत तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर है आर्मेनिया। क्या आर्मेनिया? ठीक है, आर्मेनिया पश्चिमी एशिया और यूरोप के कनेक्शन क्षेत्र के में स्थित देश है। ठीक है, देश है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोला पाशिनायन। ठीक है, क्या पाशिनायन ने 16 अक्टूबर 2018 को देश में जल्द संसदीय चुनाव कराने के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? निकोला पाशियान ने 8 मई 2018 को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धा, ठीक है, अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में, यहाँ पर ली लिखा है देशों की सूची में, कर लीजिएगा, देशों की सूची में भारत को कौन सा नंबर मिला? मतलब कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक जो प्रतिस्पर्धा में जो देश हैं उसमें भारत की सूची को, भारत को कौन सा स्थान मिला? 58वां, 54वां, 56वां या 52वां? ठीक है, तो आपका आंसर होने वाला है 58वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट के अनुसार जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है उसमें अर्थव्यवस्था में, ठीक है, वाले देशों में भारत का 58वां नंबर के साथ ही साल 2018 में 18 के बाद अमेरिका पहली बार टॉप पर और ब्रिक्स देशों में चीन सबसे ऊपर है। ठीक है, और भारत का तीसरा नंबर है। क्या रहा भारत का? कौन सा नंबर रहा? भारत का तीसरा नंबर रहा। ठीक है, ओके, ब्रिक्स देशों में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत के किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र से विश्व के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया? दिल्ली, सिक्किम, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र से विश्व के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विश्व में 51 देशों में से विभिन्न राज्यों को नामांकित किया गया था। पहला पुरस्कार जीतते हुए सिक्किम सभी देशों से आगे निकल गया। वहीं ब्राजील, डेनमार्क, क्विंटो और इक्वेडोर ने दूसरे पुरस्कारों को अपने नाम किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मिल्कमैन, क्या मिल्कमैन पुस्तक का लेखक कौन है जिन्हें इसके लिए मैन बुकर अवार्ड मिला? जॉन सीना, बिल गेट्स, एना वर्ड्स, मिशेल ओबामा। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर है एना वर्न्स। क्या एना वर्न्स इसका आंसर है? आयरलैंड की आयरिश लेखक हैं। एना वर्न्स को उनकी किताब मिल्कमैन के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर जो अवार्ड है 2018 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। किस विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य सेवा एवं वस्तु कला संगम, यानी कि कन्फ्लुएंस, क्या कॉन्फ्लुएंस 18 का सफल आयोजन हुआ? तो आपका आंसर देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर जमेलिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू जिसे हम बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होने वाला है जमिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, तो इसका इसको हम बोलते हैं JMI। ठीक है, तो मैं कॉन्फिडेंस 18 स्वास्थ्य सेवा एवं वास्तुकला संगम के
बैनर तले एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आईटी कंपनी का जुलाई सितंबर में 4110 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 4110 करोड़ का किसका मुनाफा हुआ जुलाई और सितंबर में? HCL, विप्रो, इंफोसिस या टाटा कंसल्टेंसी। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये आंसर पता होगा क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ में ये कंपनी रही है। तो इसका आंसर है इंफोसिस। इंफोसिस का 4110 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है फिलहाल में, जो जुलाई से लेकर सितंबर का, ठीक है, सालाना आधार पर 10.30% बढ़ा और रेवेन्यू जो है 17.30% बढ़ा, ठीक है, बढ़कर 20,609 करोड़ रुपए हो गया। फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चन जो है वो आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चंस थे हमारे पास, उतने आपके पास आपको मिले। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ में शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहती हैं जो, और आपको PDF भी मिलती रहती है, जैसे कि मैंने बता दिया है आपको PDF भी मिल जाएंगी और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।